हाँ जी, क्या हाल चाल? आज यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट नंबर 7 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, उसके बिना बिल्कुल भी फील नहीं आएगा। साथ ही साथ अपने अपने नोट्स बनाइए ताकि काम बनना स्टार्ट हो। क्वेश्चन बराबर करते हैं, काम बनना स्टार्ट होगा। ये सारा पार्ट क्वेश्चन से ही समझ आएगा, उसको फॉलो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, एस एफ लिख दिया भाई, है ना? ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म यही होती है। होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी में हम फोर्स की बात कर लेते हैं, एक्सेलेरेशन की बात कर लेते हैं, उस वैल्यू के लिए हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब हम बोलते हैं इतने डिजिट तक हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर की बात करना स्टार्ट करता है। डेफिनेशन लिखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस द नंबर ऑफ, स्पेलिंग की गलती, नंबर ऑफ डिजिट इन मेजर्ड वैल्यू, इन विच वी आर कॉन्फिडेंट। जो हमने वैल्यू मेजर करी है उसमें हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो क्या है, या डिजिट की बात करिए, देखिए वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर की बात, सिग्निफिकेंट नंबर की बात कर सकते हैं। सही चर्चा है। अब इसके लिए हम देखिए अलग अलग मेजर, जितनी ज्यादा मेजरमेंट करते हैं हमारी वैल्यू उतनी करेक्ट आना स्टार्ट होती है। या हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्यूरेट वैल्यू देता है वो हमें वैल्यू बिल्कुल सही दे। जैसे मैंने बोला कि एक स्केल है, ऐसा बोल लिया, एक स्केल 1 मीटर का है, वो 1 मीटर की बात करना स्टार्ट करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो उसी तरह हम क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी वैल्यू जिसके लिए हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करना स्टार्ट करता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करना और काम बनना। बहुत ही हलवा लेक्चर है जी, ठीक है, हटा दें, हटा दो। रूल प्रथम, रूल फर्स्ट, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो, हाथ नहीं चलना हमारा, क्या हो रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कैसे? जैसे मैंने बोला 1 2 3 4, 1 2 का 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और भी ले लो, 123, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 132, 4 3 5 2 1, 1 2 3 4 5। अभी दिमाग में आएगा सर 0 0 आ जाए तो क्या करेंगे, बताएंगे, इंतजार कीजिए। पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है कि अगर नॉन जीरो की बात करना स्टार्ट कर रहे हो तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करना स्टार्ट करेगा। अगर जीरो आ जाता है तो क्या होगा, फर्स्ट रूल बिल्कुल हल्का है, सभी हल्के हैं, काई दिक्कत कर रहे हो। रूल द्वितीय, ट्रैप्ड जीरो, यानी कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगेन बोल रहा हूं कि ट्रैप जीरो का मतलब हो गया कोई जीरो बीच में आ जाता है। डेसिमल की बात कर सकते हैं, 1.004 कितने आएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1.04 कितने आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1.00005, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रैप का मतलब देखे मूवीज में, देखे एक वो मूवी में बोलते हैं ना, यहाँ मत जाओ यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, मतलब फंसा लिया, जीरो बेचारा नादान फंस चुका है, गिना जाएगा, जीरो बेचारा फंस चुके हैं, 2 जीरो, जीरो बेचारा फंस चुका है, इसको बोलते हैं ट्रैप जीरो। क्या जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट की बात करना स्टार्ट करा है, मतलब नॉन जीरो के बीच में है ना सिग्निफिकेंट, काय दिक्कत कर रहे हो। सही चर्चा है।
अच्छा, ये डेसिमल की बात है बीच में है, ऐसा हो सकता है क्या डेसिमल की पहले की चर्चा अगर हम करना चाहें तो वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, ये भी चर्चा करनी है, क्योंकि डेसिमल से पहले भी तो जीरो आ सकता है ना, काई दिक्कत करो। रूल थर्ड लिखो, रूल थर्ड क्या बोलेंगे, लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे बोल दिया 0.03, अभी बोलो 0.03 की बात करना स्टार्ट करी, उसमें कितना है 0.001, कितना है 0.00002, कितना है, समझ आ रही है। लीडिंग जीरो मतलब पहले की बात करना स्टार्ट करें, इधर भी जीरो होता तो भी नहीं गिनते। जीरो 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 थ्री थ्री, दो सेकंड, सही चर्चा, पहले की जीरो नहीं काउंट होगी। अगर ऐसे आया था 0.00303 फिर काम बढ़िया बन जाता, फिर कितनी होती थी, तीन सेकंड, क्योंकि हमारा जीरो जो हमने बोला है ट्रैप जीरो की जो बात करी है उसमें हम क्या बोल रहे हैं उसको हम यूज करना स्टार्ट करेंगे, उतार सकते हो। लीडिंग जीरो नेवर लीड कर रही है ना स्टार्टिंग में, ये इसको ऐसा भी बोल सकते हो इनिशियल जीरो, इनिशियल पे आ रही है ना प्रारंभिक में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, लीडिंग का मतलब जो लीड कर रहा है स्टार्टिंग में, आसान चीज है इसमें, मुश्किल नहीं। तीन रूल जो क्या हो गया, अब एक रूल होता है, रूल तो दो हो रहा है, रूल चार ले आओ अचार। अच्छा सुनो क्या बोल रहे हैं, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर आफ्टर डेसिमल। क्या आफ्टर डेसिमल? सर ये बोल रहे हो, ये डेसिमल की अगर बात आती है तो भाई काउंट होगी। पहले की बात तो हम इनिशियल की बात कर चुके हैं, उसमें तो काउंट होगी नहीं। जैसे मैंने बोला 2.00, कितनी, एक या दो, बोलो तीन। अरे भाई क्या बोला है कि अगर हम बोलते हैं एंडिंग जीरो और इसके बाद आफ्टर डेसिमल, लिखा नहीं आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल आता है तो उसको हम काउंट करेंगे। अगर मान लो 3.120 की बात करना चाहें या 3.420, 1, 2, 3, 4, बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है काई हलवा। अच्छा मान लो पॉइंट यहां पे होता, जीरो यहां होता, नहीं काउंट करते भाई। ऐसा आया था 1.023 तो कितना था 1.023, 3.4204, 2.003, सही चल सर, आसान, कुछ भी नहीं है यार, फर्जी सा काम। हाँ सर हमें तो याद ही नहीं है, आसान है आसान है आसान है। अच्छा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करना स्टार्ट करते हैं, रूल पांच जो बोलता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट। 2.1 × 10 की पावर 10 है, 12 होगी या 10 होगी, नहीं 12 होगी या 2 होगी बताइए, 10 जीरो है भाई, 2 है 12। अरे भाई नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट। अच्छा तो इसका सर 3.110 की पावर 4, अरे काहे मतलब है, तीनों नहीं समझा, अरे इसको नहीं यूज करना भाई, काहे दिक्कत,
अच्छा अगर मान लो आपको दिया जाए 2 किलोमीटर, इसमें कितने सेकंड में है? एक ही। इसको बोल दिया जाए 2 × 10³। सही है, बिल्कुल सही। अरे दो मतलब मीटर में चेंज कर लिया ना, काहे दिक्कत। तो इसमें कितने रहेंगे? एक ही तो रहेगा। अच्छा ये ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी भी यूनिट को चेंज करते हैं, यूनिट का मतलब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया इसको, चेंजिंग इन यूनिट्स सिग्निफिकेंट फिगर नेवर चेंज। अगेन बोलो, चेंजिंग इन यूनिट्स सिग्निफिकेंट फिगर नेवर चेंज। 2 किलोमीटर में 1 सेकंड फिगर है, इसमें भी कितना है? एक ही है। 10³ का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करना स्टार्ट कर। सही चर्चा है। और डेसिमल के बाद की जब बात करना स्टार्ट करें, अगर आप 2.01 लिख के, मान लो ऐसा लिख दिया 2.0, तो हमारा काम हो जाएगा खराब। तो उसमें कितने आ जाएंगे? 2 की बात करना स्टार्ट करें। आसान चीज है, मुश्किल है? सर आसान है, हटा दें। अरे भाई रूल आखिरी, मतलब रूल 6, प्योर नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। कैसे? जैसे हमने बोल दिया डेंसिटी ऑफ वाटर 1.33 होती है क्या? मेरे को ध्यान नहीं। अरे सर कैसी बात कर, इसके लिए सिग्निफिकेंट कहते हो गए इनफाइनाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸। फिक्स वैल्यू के लिए फिक्स कोई भी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6×1² कितने आएंगे? ले सकते हो सरफेस एरिया, किसी भी एरिया की बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो ले सकते हो। अरे गलत लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी सॉरी, ऑफ वाटर, आई एम सो सॉरी। डेंसिटी 2000 की बात करेगा ना, कोई बात नहीं। प्योर नंबर मतलब जो हमारे साइंटिस्ट देखे गए हैं उसमें कोई भी फेर बदल नहीं है, उनके लिए क्या आएगा? सही है, बिल्कुल आसान चीज़ है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही लल्लू सी चीज़ है। चलो ठीक, हटा दें। जग जग ले फिर हंसी रात, हाँ जी आओ। अब हम पढ़ने वाले हैं राउंडेड ऑफ। राउंड ऑफ करते हैं बोलते हैं ना सर, ये कपड़े भैया थोड़ा राउंड ऑफ करो ना यार, है ना? तो राउंड ऑफ का मतलब होता है कि राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अप टू मत लिखो, तो लिखो 2 सिग्निफिकेंट, 2 डिजिट लिखो, 2 डिजिट सिग्निफिकेंट वाले हो, डिजिट से लिखा है, थोड़ा सा पंगा रहे। जैसे मैंने बोला नियम है इसके, पहला है 4.72, तो ये 2 तक करना है तो 4.7 रहेगा, बिकॉज वी नो दैट 2 होता है वो छोटा होता है 5 नहीं बड़ा होता है। अरे गाय दिक्कत। सेकंड जो है तो है 4.76, अरे सिर्फ ये आएगा 4.8, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 2। बोलो बोलो बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा अगर बोल दिया जाए 4.75, अरे सर क्या कर दिया, इतना बढ़िया चल रहा। अब 5 बराबर 5 आ जाए, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? छोड़ देंगे या मार देंगे? अरे कहने का मतलब बढ़ा देंगे या नहीं बढ़ाएंगे? देखिए 5 के बाद अगर 0 नहीं है तो बढ़ा दो,
मतलब इस पांच के बाद अगर जीरो नहीं है तो खपच ऊपर, तो मतलब 4.7 सॉरी लियो छठा, अरे छठा नहीं चौथा, 4.85 4.9 और अगर जीरो आ जाए, जीरो आ जाए तो आ जाए, क्या दिक्कत है, आन दो आ गया, हो गया। अगर मान लो ऐसा आ जाता है 4.750, अगर जीरो आता है तो हमने पिछले वाला पांच से पिछले वाला नंबर देखना है, अगर वो ओड होगी तो बढ़ेगी, इवन होगी तो नो चेंज। अगेन बोल रहा हूँ, अपने टोटल नंबर कितने देखेंगे, तीन देखेंगे, वापिस बोल रहा हूँ, टोटल नंबर तीन देखा, अगर पिछले वाला जो पांच से पिछले वाला है ओड होगा मतलब विषम होगा तो बढ़ेगी, जैसे कि क्या हो जाएगा 4.8 छठा, अगर 4.650 है तो क्या रहेगा 4.6, बिकॉज ये क्या है, एक सम संख्या मतलब इवन नंबर है। दिमाग थोड़ी घूम गया, अरे सर क्या बात है, अगेन बोलो, 4.72 है तो दो से कम है तो वैल्यू क्या है 4.7 है, पांच से कम है, अगर पांच से ज्यादा है तो बढ़ा देंगे, तो बहुत सिंपल हो रहा है, पांच छोटे में पड़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अप टू टू डिजिट की बात कर रहे हैं, अगर डिजिट तीन होती तो कुछ वैल्यू अलग आती, ये समझे, तो वैल्यू थोड़ी बड़ी भी होती शायद। 4.75 की बात करें तो 4.8 काहे किया, क्योंकि पांच के बराबर पांच की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जीरो नहीं है बैक साइड में तो बढ़ा दो, अगर जीरो होता है तो उसके पीछे, पांच के पीछे वाला नंबर क्या है, अगर ओड है तो बढ़ेगा, अरे कांगे ये रहा, अगर इवन है तो नो चेंज। यहां तक दिक्कत परेशानी दुविधा तकलीफ कुछ भी है तो बताओ इससे रिलेटेड, उसके अलावा है तो कर देंगे समाधान, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा लेक्चर था, बस बोला था आपको, और इसी के साथ आपको जानकर बड़ी खुशी होगी अपना यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा हो चुका है, अगला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इन्हीं खबरों के साथ आपको मिलेंगे, उठा लो। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अभी डाउट नहीं रहना चाहिए, मतलब अगर आप कुछ प्रॉब्लम रहता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और एक चीज़ और है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, शॉर्ट्स ज़रूर देखा करें। शॉर्ट्स में क्या होता है कि जैसे हम अभी डिफ्रेंसिएशन का पार्ट डाल रहे हैं, हाँ इससे पहले और बताना चाह रहे हैं आपको कि ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट डालेंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिफ्रेंसिएशन का कुछ पार्ट आएगा, है ना, और नीट में जितने भी छोटे मोटे प्रश्न आएंगे वो भी करवा देंगे डिफ्रेंसिएशन की, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको इतना फील आने वाला है उसकी प्रॉपर डीपीपी, इसकी डीपीपी का थोड़ा आपको मैंने बोला था देंगे, पर एक्चुअली क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करें डीपीपी, इसकी जो डीपीपी बनी है वो हम करवा देंगे आपको, उसकी डीपीपी जो है आपको टेलीग्राम में, मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम में मिलेगी, और यहाँ पर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब यहाँ आपको दिखेगी, आप सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बीच में कुछ क्वेश्चन करवा दिया करेंगे और कुछ क्वेश्चन अलग से वीडियो बना दिया करेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा बोल सकते हो कि आप हर टॉपिक जो करवाएंगे हम उसकी डीपीपी मिलेगी। अब बोलोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन थोड़ी करवा, मतलब उसका क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पर फिर भी जितना भी हो सकता है उतने सारे क्वेश्चन करवाने के प्रयास करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के प्रयास करेंगे, और आप भी अपने पूरी जोर लगा के क्वेश्चन को करिए, एक कॉपी लगाइए डीपीपी के अलग से, जिसमें आपको पता रहे कि आपने क्या किया है, और सब काम बढ़िया चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।